जहां पर भीषण सड़क हादसे में 18 लोग घायल हुए हैं। तीर्थयात्रियों से भरी ट्रॉली और बुलेरो में हुई टक्कर। श्रावस्ती से बाराबंकी के कोटवा धाम जा रहे थे तीर्थयात्री और घायलों में महिलाएं और मासूम बच्चे भी शामिल। घायलों में 3 लोगों की हालत बताई जा रही है नाजुक। घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। भिनगा कोतवाली क्षेत्र के मजगवा कुंडा के पास की पूरी घटना है। भीषण सड़क हादसे में 18 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। घायलों में महिलाएं और मासूम बच्चे भी शामिल है। तो घायलों में 3 लोगों की हालत नाजुक भी बताई जा रही है। घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल यह बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर भिनगा कोतवाली क्षेत्र के मजगवा कुंडा के पास की यह पूरी घटना है। तो भिनगा कोतवाली क्षेत्र के मजगवा कुंडा के पास की पूरी घटना आपको हम बता रहे हैं, जहां पर भीषण सड़क हादसे में 18 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। और श्रावस्ती में भीषण सड़क हादसे में 18 लोग घायल हुए हैं। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और श्रावस्ती से बाराबंकी के कोटवा धाम जा रहे थे तीर्थयात्री, उस दौरान ही यह हादसा हुआ। घायलों में महिलाएं और मासूम बच्चे भी शामिल हैं। तो घायल होने वालों में महिलाएं और मासूम बच्चे भी शामिल, और घायलों में 3 की हालत नाजुक भी बताई जा रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता कृष्णपाल जुड़ चुके हैं। कृष्णपाल, कैसे हुआ यह हादसा, क्योंकि बताया जा रहा है बड़ी संख्या में लोग यहां पर घायल हुए हैं और कुछ की हालत बेहद नाजुक है। जी देखिए, देर रात का हादसा, इसमें एक ट्राली और बुलेरो की टक्कर बताई जा रही है। इसमें 16 लोग ट्राली में बताया सवार थे, जो कोटवा धाम जो बाराबंकी में पड़ता है वहां पर जा रहे थे बच्चे के मुंडन करवाने के लिए, और उसी दौरान बंगहा मोड़ के पास एक हादसा हुआ बताया जा रहा है, जिसमें 18 लोग जो घायल हुए हैं। उसमें ट्राली में 16 लोग सवार तो घायल और 2 लोग बुलेरो में सवार तो घायल है। घायलों में 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिनको जो है जिला अस्पताल भिनगा से लखनऊ के लिए रेफर किया गया है। ठीक है, क्या इन घायलों का समुचित इलाज हो पा रहा है? क्या प्रशासन यहाँ पर पूरी तरह से इन सभी चीजों को लेकर मुस्तैद नजर आ रहा है? केपी, बिल्कुल, जानकारी होने के बाद प्रशासन पूरी मुस्तैदी से जो है घायलों को जरिए एम्बुलेंस पहुंचाया गया है या जिला अस्पताल में, और जो हल्के फुल्के घायल है उनका इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है, बाकी जो गंभीर रूप से घायल है उनको रेफर कर दिया गया है। शुक्रिया केपी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो भीषण सड़क हादसे में 18 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। श्रावस्ती से बाराबंकी के कोटवा धाम जा रहे थे तीर्थयात्री, श्रावस्ती से खबर है, जहां भीषण सड़क हादसे में 18 लोग घायल हुए हैं और कुछ की हालत बेहद नाजुक भी बताई। तीर्थयात्री में टक्कर हुई है,